कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। कभी फर्जी गुड वर्क तो कभी बेगुनाहों को जेल भेजने वाली लखनऊ पुलिस के नए कारनामे ने एक बार फिर पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया है। जनता की रक्षक कही जाने वाली पुलिस ही हत्यारी बन बैठी है और एक युवक की हत्या कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी पुलिस के कारनामों की फेहरिस्त में कारनामा और जुड़ गया है। खाकी का नशा और पावर का एहसास, इन दोनों का काकतेल ऐसा है कि जनता की रक्षा करने वाले खुद एक आम आदमी के हत्यारे बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोमती नगर की, जहां रात में एक निजी कंपनी में काम करने वाले विवेक तिवारी की पुलिस की गोली से मौत हो गई। आपको बता दें कि वह अपनी कलीग सना के साथ कहीं जा रहे थे। किसी दौरान सीएमएस गोमती नगर के पास उनकी कार खड़ी हुई थी कि तभी सामने से दो सफेद अपाचे सवार पुलिसकर्मी आए और कार को रोकने के लिए इशारा कर दिया, जिस पर कार उनकी रुक गई। इतने में एक सिपाही ने अपनी सरकारी पिस्टल से विवेक को गोली मार दी, जिसके बाद गोली लगने से वह घबराया और गाड़ी आगे भगा दी। इस भागम भाग में आगे जाकर कार हादसे की शिकार हो गई। दोनों पुलिसकर्मी गोली मारने के बाद अपनी बाइक वहां छोड़कर फरार हो गए। गंभीर अवस्था में विवेक को लोही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पीछा अगर जब कर किया उन्होंने तो लड़के एक बताते हैं, पीछा किया जाके गाड़ी खुद मैडम वहां पे टकरा गई। किसी पुलिस वाले ने, कितना आला अफसर कौन कौन थे वहां मुझे किसी का नाम नहीं पता है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि गोली मारी गई। और अगर एक्सीडेंट हुआ था, फिर मैंने कहा मुझे उस लड़की से मिलना है। गई तो उसके यहां लेडी कांस्टेबल बिठा रखी है। क्या वो लड़की विक्टिम थी कि तुमने लेडी कांस्टेबल बिठा रखी थी? लड़की पहले एप्पल में जॉब करती थी, उसका एप्पल से फिर जॉब से वो हट गई थी, अब वो नई जॉब की तलाश में थी यहाँ पे। और अभी कुछ दिन पहले फिर से उसका एप्पल में इंटरव्यू वगैरह हुआ था, शायद रिज्वाइनिंग वगैरह कुछ हो गई थी, वो फिलहाल वो काम ही कर रही थी यहाँ पे। वो सिर्फ एक नॉर्मल सी एम्प्लॉई थी। अगर एक्सीडेंट हुआ था तो उस लड़की को तो चोट आई नहीं है, किसी तरीके की कोई रंजिश नहीं थी। 4 साल पहले हम यहाँ आए थे, सिर्फ हमारा काम से काम चलता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी सिपाहियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। साथ ही पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी कर रही है, जिससे मौत की असली वजहों का पता लगाया जा सके। सुबह एक मुकदमा लिखाया गया है थाना गोमती नगर में, अंतर्गत धारा 302 IPC, जिसमें सना खान है। इन्होंने बताया है कि कल रात को ये अपने कलीग के साथ घर जा रही थी। कलीग का नाम विवेक तिवारी है। तो CMS गोमती नगर विस्तार के पास इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, तभी सामने से दो पुलिस वाले आए। इन्होंने बच निकलने की कोशिश की तो, और पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो अचानक से इनको ऐसे लगा जैसे कहीं पर गोली चली है। इसके बाद गाड़ी आगे जाकर के एक खंभे से टकरा गई और अंडरपास पर एक दीवार से टकरा गई और विवेक के सर से काफ़ी खून बहने लगा। इसने सना ने मदद मांगी और कुछ ही देर बाद पुलिस आई और उन सबको अस्पताल ले गई और उसके बाद सूचना प्राप्त हुई कि अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गई विवेक की। एप्पल कंपनी के मैनेजर की मौत और पुलिसिया कार्रवाई यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि DGP साहब, CM साहब, क्या यही है आपकी स्मार्ट पुलिस? क्या यही है खाकी में इंसान? क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? और अगर इंसाफ मिलेगा तो आखिर कब तक? कब तक न्याय की गुहार लगाई जाएगी और कब आपकी पुलिस सुधरेगी और कब ये जनता के दिल में अपनी जगह बनाएगी? रवि श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।